एंड सो ये गाइस, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइस, आप लोगों को पता होगा गाइस, मैंने रिसेंटली में गाइस मैंने एक टाइगर का ड्राइंग बनाया था। तो गाइस ये वाला देख सकते हो गाइस, मैंने ये वाला टाइगर का ड्राइंग बनाया। एंड गाइस ऑलमोस्ट गाइस मेरे को ये इस आर्टवर्क को ड्रॉ करने में 12 to 13 hours से ज़्यादा लगा गाइस मेरे को। और गाइस ये टाइगर का ड्राइंग गाइस मैंने कम्प्लीटली गाइस मैंने चारकोल से बनाया। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वे में लग रहा है। और गाइस मैंने इस टाइगर का ड्राइंग में ऑलरेडी गाइस मैंने 3 videos डाल दिया है। पहला वीडियो है गाइस आउटलाइन के ऊपर में, एंड गाइस दूसरा वीडियो है फॉर गाइस आप लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हो रियलिस्टिक वे में। एंड गाइस तीसरा वीडियो है टाइम लैप्स के ऊपर में। तो गाइस आप लोगों ने टाइम लैप्स वाले वीडियो में काफ़ी जाने कमेंट किया कि नोज के ऊपर में रियल टाइम वीडियो डालो। बट गाइस मेरे को नोज एंड ये बियर्ड वगैरह ड्रॉ करने में ऑलमोस्ट गाइस मेरे को 5 hours से भी ज़्यादा लगा। तो गाइस मैं 5 घंटे का वीडियो नहीं डाल सकता। बट गाइस मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से एडिटिंग करके गाइस मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया। एंड गाइस आप लोगों को इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग कैसे नोज ड्रॉ कर सकते हो इस वाले वीडियो में। और अगर बेसिकली इस वाले वीडियो में गाइस मैं बताने वाला हूँ आप लोग गाइस नोज़ में गाइस फर वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हो, काफ़ी छोटा छोटा हाईलाइट्स है वो गाइस कैसे दे सकते हो। सो गाइस वीडियो गाइस पूरा एंड तक देखना गाइस। और अगर चैनल में न्यू तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह गाइस ट्यूटोरियल वीडियो के लिए। और गाइस वीडियो गाइस आप लोगों को जरा भी हेल्पफुल है वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस बिना कुछ देर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले नोज़ का फर को ड्रॉ करने के लिए गाइस मैं खाली पेन को यूज़ करने वाला हूँ। इंडेंटिंग टेक्निक आप लोगों को पता होगा, जैसे ही गाइस मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में गाइस मैंने यूज़ किया था, तो वैसे ही गाइस हम लोग खाली वाले पेन से कम्प्लीटली गाइस मैं नोज़ में इंडेंटिंग टेक्निक को यूज़ करने वाला हूँ। आप लोग गाइस कैसे यूज़ कर सकते हो वो गाइस मैं वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। बस गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फोन में गाइस काफ़ी छोटा छोटा हाईलाइट्स है, वैसे ही गाइस हम लोग को हाईलाइट्स वगैरह देना है। ऊपर में जैसा फर है गाइस वैसा हम लोग को फर को गाइस नहीं ड्रो करना है, क्योंकि ऊपर में गाइस काफ़ी बड़ा बड़ा फर है, बट गाइस नोज़ में काफ़ी छोटा छोटा फर है, वही गाइस हम लोग को इंडेंटिंग टेक्निक से काफ़ी अच्छे से यूज़ करना होगा। बट मैंने ऊपर में भी गाइस मैंने इंडेंटिंग टेक्निक ही यूज़ किया है बड़े बड़े फर को ड्रो करने के लिए। तो आप लोग छोटे छोटे हेयर गाइस कैसे ड्रो कर सकते हो वो गाइस मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग यहाँ देखो गाइस मैं काफ़ी अच्छे से हेयर के डायरेक्शन में एक एक स्ट्रोक को गाइस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस गाइस आप लोग को ऐसे करना है स्लोली स्लोली गाइस, पूरा अच्छे से गाइस धीरे धीरे करना है गाइस। तो गाइस यहाँ पर अभी मैं फर को गाइस मैं शेड कर रहा हूँ। तो ऐसे गाइस ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में गाइस बस गाइस मैं इंडेंटिंग टेक्निक के ऊपर में गाइस मैं स्लोली स्लोली गाइस मैं बस शेडिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे गाइस आप लोग को एक एक स्ट्रोक को अप्लाई करना है। ऐसे ही गाइस आप लोगों को हेयर के डायरेक्शन में एक एक स्ट्रोक को अप्लाई करना है। और गाइस आप लोगों को जितना हो सके गाइस आप लोग टाइम देना इस आर्टवर्क में। तो देखो गाइस मैं कैसे गाइस धीरे धीरे करके गाइस मैं एक एक स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ हेयर के डायरेक्शन में ऊपर से नीचे के साइड में। ऐसे ही गाइस आप लोगों को करना है। तो काफ़ी मैं स्लोली स्लोली कर रहा हूँ। यहाँ पर गाइस मैं थोड़ा सा गाइस मैं वीडियो को फास्ट किया हूँ, जो कि गाइस आप लोग अच्छे से गाइस समझ में आ रहा होगा। और गाइस मैंने वीडियो गाइस मैंने ज़्यादा स्पीड नहीं किया है, जो कि गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। गाइस आप लोग गाइस मेरे हैंड को देखो गाइस मैं कैसे गाइस मैं स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ। एंड गाइस मैं किस डायरेक्शन में हेयर को गाइस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे गाइस अभी यहाँ पर गाइस मैं राइट साइड में गाइस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइस आप लोग फोटो को रेफरेंस फोटो काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। तो ऐसे गाइस आप लोगों को लेयर वाइज काम करना है। तो गाइस मैं अभी गाइस ये पूरा वीडियो फास्ट मैंने नहीं किया है, हल्का सा गाइस मैंने फास्ट किया है बस गाइस। तो गाइस मैं सेकंड लेयर में भी गाइस मैं स्लो कर दूंगा वीडियो को, उसके बाद गाइस मैं बताऊंगा गाइस मैं सेकंड लेयर कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे नहीं गाइस मैं पूरा वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ। अभी गाइस आप लोग गाइस वीडियो को देखो गाइस मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। बस गाइस सिंपली आप लोगों गाइस इंडेंटिंग टेक्निक को यूज़ करना है, जैसे गाइस मैंने बताया, उसके ऊपर से बस गाइस हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक को अप्लाई करना है। बट गाइस आप लोगों को इंडेंटिंग टेक्निक को हेयर के डायरेक्शन में ही अप्लाई करना होगा। वैसे गाइस आप लोगों गाइस बस गाइस स्ट्रोक को अप्लाई करना है ऊपर से चारकोल पेंसिल से गाइस, जैसे गाइस मैं सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो गाइस मैं कैसे कर रहा हूँ। और अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड ऑब्जर्व करो गाइस मैं कैसे कैसे गाइस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। फर्स्ट लेयर गाइस मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, देन गाइस मैं सेकंड लेयर कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। और अगर इस मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है गाइस मैं वहाँ पर गाइस मैं बोलूँगा, जैसे गाइस मैंने फर्स्ट लेयर में बोल रहा हूँ, फिर गाइस मैं सेकंड लेयर में पूरा बोलूँगा, फिर गाइस मैं थर्ड लेयर में बोलूँगा, फिर गाइस मैं फोर्थ लेयर में बोलूँगा। तो ऐसे गाइस मैं मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है गाइस मैं वहाँ पर बोलूँगा आप लोगों को। आप लोग गाइस कैसे ड्रॉ कर सकते हो मैं हर एक जगह गाइस मैं बोलने वाला हूँ आप लोगों को। तो अभी गाइस आप लोग यहाँ पर देखो गाइस मैं फर्स्ट लेयर गाइस मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी आप लोग से सेकंड लेयर में मिलता हूँ। तो मैं सेकंड लेयर में आप लोगों को इसमें बताऊंगा आप लोग सेकंड लेयर गाइस कैसे।
डायरेक्शन में गाइस मैं ब्रश को गाइस मैं अप्लाई कर रहूँगा, मतलब कि ब्लेंडिंग कर रहा हूँ गाइस मैं अभी काफ़ी अच्छे से। ऐसे गाइस आप लोग करना है स्लोली स्लोली गाइस। देखो गाइस में ये रियल टाइम वीडियो है और गाइस बेसिकली ये रियल टाइम वीडियो चल रहा है, तो गाइस मैं हर एक पार्ट में जैसे गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ तो उसके 20 से 30 सेकंड गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाइस मैं रियल टाइम में कैसे गाइस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं कितना स्लोली स्लोली गाइस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वही सब गाइस मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर गाइस मैं हल्का सा स्पीड कर देता हूँ 5x या 10x में ऐसे गाइस में। तो यहाँ गाइस मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से स्लोली स्लोली, तो आप लोग गाइस ऐसे धीरे धीरे गाइस ब्लेंडिंग करना है, ना कि गाइस अभी गाइस मैंने वीडियो फास्ट है थोड़ा, तो गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि गाइस मैं काफ़ी स्पीड से कर रहा हूँ, बट नहीं गाइस मैं काफ़ी स्लोली स्लोली कर रहा था जैसे गाइस आप लोगों ने देखा रियल टाइम वीडियो में। तो अभी गाइस हम लोग ने फर्स्ट लेयर अप्लाई करके गाइस मैंने अभी ब्लेंड कर दिया, अभी गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई करूंगा। बस गाइस हेयर के डायरेक्शन में वैसे ही गाइस मैं स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। और गाइस आप लोगों को गाइस पेंसिल को शार्प रखना है काफ़ी अच्छे से, एंड चारकोल पेंसिल गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को पता है। तो देखो गाइस मैं कैसे गाइस हेयर के डायरेक्शन में बस गाइस मैं स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ, एक एक स्ट्रोक को गाइस मैं काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके गाइस मैं अप्लाई कर रहा हूँ हेयर के डायरेक्शन में। ऐसे ही गाइस आप लोगों को लेयर को अप्लाई करना है, जैसे गाइस मैंने सबसे पहले फर्स्ट लेयर अप्लाई किया, देन गाइस मैंने ब्लेंड किया, अभी गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, फिर गाइस मैं इसके बाद ब्लेंड करूंगा, उसके बाद देखना गाइस मेरा गाइस ड्राइंग बिगड़ चुका था, फिर गाइस मैंने कैसे करके ठीक करा है वो गाइस आप लोग गाइस वीडियो को देखो गाइस पूरा एंड तक। तो अभी गाइस यहाँ पर गाइस मैं सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप लोग गाइस देखो गाइस मैं कैसे सेकंड लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, अभी गाइस मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ। तो अभी गाइस आप लोग देखो गाइस मैं सेकंड लेयर कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, आप लोग गाइस मेरे हाथ को ऑब्जर्व करो गाइस मैं कैसे स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ एंड किस डायरेक्शन में कैसे गाइस मैं लेयर को अप्लाई कर रहा हूँ, और आप लोग पेंसिल को शार्प रखना। तो आप लोग गाइस देखो गाइस मैं यहाँ पर आइस के नीचे मैं देख सकता हूँ गाइस मैंने थोड़ा डार्क किया, क्योंकि गाइस उधर मैं डार्क है, आप लोग अच्छे से रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करोगे तो आप लोग गाइस दिखेगा, रेफरेंस फोटो में गाइस काफ़ी अच्छे से नहीं दिखता है गाइस स्ट्रोक गाइस किस डायरेक्शन में जा रहा है, बट गाइस काफ़ी अच्छे से आप लोग को ऑब्जर्व करना होगा तभी जाके दिखेगा गाइस। तो यहाँ देखो गाइस मैं कैसे करके लेयर गाइस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे गाइस आप लोगों को करना है। तो यहाँ सेकंड लेयर अप्लाई करने के बाद गाइस मैं ब्लेंड करूँगा, उसके बाद गाइस मेरे को लग रहा था कि गाइस ड्राइंग पूरा ख़राब हो चुका है, नोज गाइस पूरा ख़राब हो चुका है, तो उसके बाद गाइस देखो गाइस मैंने कैसे गाइस मैंने किया है।
कैसे कैसे करके गैस मैंने ठीक किया आप लोग देखना। जैसे गैस अभी मैं ब्लेंड कर रहा हूँ तो उसी टाइम गैस ये ख़राब हो चुका था, तो मैंने गैस कैसे कैसे करके ठीक किया है आप लोग गैस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पर गैस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, आप लोग गैस पूरा एंड तक देखो गैस मैं कैसे करके गैस मैंने ठीक किया है ड्रॉइंग को। तो यहाँ देखो गैस मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके गैस मैं सॉफ्ट वाले ब्रश से लेयर वाइज गैस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ हेयर के डायरेक्शन में। जैसे कैसे यहाँ पर गैस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया गैस देखो, तो इसीलिए गैस मेरे को लग रहा था ड्राइंग गैस पूरा ख़राब हो चुका है। तो उसके बाद गैस मैंने यहाँ पर गैस मैंने छेड़छाड़ नहीं किया, उसके बाद गैस मैंने नीचे का पार्ट गैस मैंने ड्रॉ करना शुरू किया। जैसे गैस टाइगर का जो नोज़ है जहाँ से गैस वो सांस लेता है उधर उधर में गैस मैंने ड्रॉ करना शुरू किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी गैस मैंने ब्लेंड किया तो गैस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है, हाइलाइट्स गैस अच्छे से नहीं दिख रहा है, काफ़ी बेकार सा लग रहा है गैस देख सकते हो। तो गैस मैंने सोचा सबसे पहले गैस मैंने डार्कर पार्ट्स गैस में कवर करूँगा, तो यहाँ जो भी नोज़ गैस काफ़ी ज़्यादा लाइट है आप लोगों ने देखा है अच्छे से, तो यही गैस मैंने सोचा कि फिर गैस डार्कर पार्ट्स गैस में कवर कर दूंगा तो गैस नोज़ काफ़ी अच्छे से लगेगा। तो दैट्स व्हाई गैस मैं सबसे पहले नीचे का पार्ट गैस मैं ड्रॉ करने का सोचा था। तो यहाँ नीचे का पार्ट गैस मैं नोज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ से यह सांस लेता है टाइगर। सबसे पहले मैं नीचे का पार्ट ड्रॉ करूंगा, देन गैस आप लोगों को जहां पर एरो दिख रहा है वो साइड का पार्ट गैस मैं ड्रॉ करूंगा, देन गैस मैं नोज के ऊपर फिर गैस मैं लेयर को अप्लाई करूंगा, क्योंकि गैस अभी काफी बेकार से लग रहा है काफी ज्यादा, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था डार्क किधर में करना है लाइट किधर में करना है नोज में। तो दैट्स व्हाई गैस मैं नीचे का पार्ट सबसे पहले मैं कवर करने का सोचा, देन गैस मैं साइड वाला पार्ट में कवर करने का सोचा, देन गैस मैं नोज में डिटेल करूंगा। फिर नीचे में भी हमें गैस सेम ड्रॉ करना है, जैसे कि टाइगर का आप आइस का ऊपर में जो फर सब देख रहे हो काफी बड़ा बड़ा फर है, वैसे गैस हमें भी गैस सेम नीचे में ड्रॉ करना है। जब भी जैसे गैस अभी यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ मैंने इंडेंटिंग टेक्निक गैस मैंने पहले यूज़ कर लिया था, तो अभी गैस मैं फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, तो गैस आप लोग को भी ऐसे करना है। तो गैस आप लोग देखो गैस मैं कैसे आप लोग गैस देखो गैस मैं कैसे नीचे में गैस मैं लेयर्स को गैस अप्लाई कर रहा हूँ वैसे गैस करना है। जैसे गैस आप लोगों ने पार्ट टू में देखा था फर गैस कैसे ड्रॉ करते हैं वैसे गैस यहाँ पर भी गैस मैं ड्रॉ करने वाला हूँ नीचे में। तो अभी भी गैस मैं एक बैकग्राउंड पेंसिल यूज़ किया है। जैसे गैस आप लोगों ने पार्ट टू देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, तो ऐसे गैस मैं यूज़ करके उसके गैस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ देखो गैस सॉफ्ट वाले ब्रश से। तो ऐसे गैस आप लोगों को करना है, लेयर वाइज काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं काफ़ी अच्छे से स्लोली स्लोली धीरे धीरे से गैस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। फिर गैस मेरे को लग रहा है यहाँ पर गैस और भी वाइट होगा, तो गैस मैं फिर से गैस मैं लेयर एक को अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप लोगों को जब तक गैस सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है लेयर को गैस अप्लाई करते रहना आप लोगों को। यहाँ पर देखो गैस मैं काफ़ी अच्छे से पतले पतले लाइन दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छे से स्लोली स्लोली गैस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी गैस ऐसे लेयर वाइज काम करना है, ऐसा नहीं गैस आप लोगों को व्हाइट चारकोल पेंसिल ही चाहिए, आप लोग कोई भी इरेजर से भी गैस इरेज कर सकते हो, बट मेरे पास था तो गैस मैंने यूज़ किया है।
गैस मैंने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा है व्हाइट चारकोल पेंसिल यूज़ करते हुए, तो गैस मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम गैस मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर मेरे को लग रहा है साइड साइड से गैस थोड़ा बहुत डार्क है, तो वो गैस मैं मीडियम चारकोल पेंसिल से गैस मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा कम डार्क होता है इसलिए। तो आप लोग देखो यहाँ पर गैस मैं नीचे का पार्ट गैस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को जहाँ जहाँ बोलना है गैस मैं वहाँ पर बोलूँगा। मैं अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर दे रहा हूँ, तो गैस मैं ज़्यादा बोलूँगा तो गैस आप लोग बोर हो जाओगे, तो आप लोग गैस अच्छे से देखो एंड अच्छे से ऑब्जर्व करो गैस मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं ऑब्जर्व करके गैस मैं हाईलाइट्स दे रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही गैस पेशेंस के साथ में काम करना है एंड काफ़ी अच्छे से गैस हाईलाइट्स देना होगा आप लोगों को। तो यहाँ देखो गैस मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, हाईलाइट्स गैस काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके आप लोग देना गैस। और अगर हाईलाइट्स देने के बाद जो भी गैस डार्क लाइन्स है गैस, वो गैस मैं स्ट्रोक को गैस मैं अप्लाई कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके गैस मैं एक एक लाइन्स को गैस मैं ऑब्जर्व करके गैस मैं स्ट्रोक को अप्लाई कर रहा हूँ। और अब पेंसिल को आप लोगों को गैस शार्प रखना है, तो गैस देखो गैस मैं कैसे एक एक स्ट्रोक को गैस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। चारकोल पाउडर हल्का हल्का लेके गैस, तो गैस आप लोग ज़्यादा नहीं लेना चारकोल पाउडर गैस में, एकदम थोड़ा थोड़ा सा गैस में लेके ब्लेंड कर रहा हूँ सॉफ्ट वाले ब्रश से। तो उसके बाद गैस मैं हाइलाइट्स दूंगा काफ़ी अच्छे से। आप लोग गैस देखो गैस मैं कैसे अभी गैस मैं चारकोल पाउडर यूज़ करूँगा, देन गैस थोड़ा अच्छा लगता है गैस ड्राइंग। तो आप लोग गैस देखो गैस मैं कैसे चारकोल पाउडर यूज़ कर रहा हूँ। और गैस मैंने खुद से चारकोल पाउडर मैंने बनाया है, जो भी गैस पेंसिल का लीड टूटता है गैस उसको गैस मैंने सैंड पेपर में घिस के गैस मैंने खुद से चारकोल पाउडर बनाया है, ऐसा नहीं गैस मैंने परचेस किया है। यहाँ देखो गैस मैं कैसे कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करके, जहाँ पे गैस एकदम वाइट एरिया से गैस वहाँ पर अच्छे से मैं सॉफ्टली स्लोली स्लोली गैस मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो गैस मैंने काफ़ी अच्छे से गैस मैंने ब्लेंडिंग कर दिया है। अब गैस मैं नीचे वाला पार्ट गैस मैं कवर करूँगा जहाँ पर एरो दिख रहा है। तो अभी गैस यहाँ नीचे में देख सकते हो गैस मैं एक एक स्ट्रोक को गैस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी गैस ब्लैक एरिया से गैस हेयर को गैस जो भी हेयर से गैस निकल रहा है वो गैस मैं काफ़ी अच्छे से एक एक स्ट्रोक को गैस मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ऐसे गैस आप लोगों को गैस ड्रॉ करना है फर वगैरह को, तो देखो गैस मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। मैं बैकग्राउंड सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ।
अब गाइज यहाँ पर हमारा नीचे में भी गाइज हाइलाइट्स हो चुका है। मैंने सेकंड लेयर अप्लाई करके गाइज मैंने हाइलाइट्स वगैरह काफ़ी अच्छे से दे दिया है। अब गाइज मैं नोज़ में गाइज काफ़ी अच्छे से गाइज मैं हाइलाइट्स दूंगा। आप लोग देखो गाइज मैं कैसे हाइलाइट्स दे रहा हूँ। अभी आप लोग जहाँ पर भी गाइज नोज़ में छोटा छोटा हाइलाइट्स देख रहे हो, वाइट एरियाज जो भी गाइज, यहाँ पर मैंने इनहेडिंग टेक्निक यूज़ किया है। वहाँ पर गाइज मैं ऐसे ही धीरे धीरे स्लोली स्लोली गाइज मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ। यहीं पर गाइज मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। एंड गाइज आप लोग यहाँ पर गाइज वीडियो को पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करके देखो गाइज, मैं पूरा नहीं बोल सकता बट गाइज मैं देखोगे यहाँ गाइस मैं कैसे हाइलाइट्स दे रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। गाइस मैं टोमोमोनो जीरो इरेजर से गाइस मैं छोटे छोटे हाइलाइट्स दे रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल वे में। आप लोग देखो गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा जूम करके भी दिखा रहा हूँ कि गाइस मैं कैसे हाइलाइट्स दे रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पर गाइस ज़्यादा डार्क है वहाँ पर गाइस मैं हाइलाइट्स दे रहा हूँ काफ़ी अच्छे से। जब गाइस मैं हाइलाइट्स दे दूंगा तब गाइस आप लोग देखना गाइस ड्राइंग गाइस कैसा लगता है, नोज़ गाइस कैसा लगता है गाइस आप लोग देखना गाइस।
देख सकते हो गाइस काफ़ी मक्खन का जैसे गाइस चल रहा है जेरी लोल पेन गाइस। आप लोगों को गाइस पहले इरेजर से गाइस इरेज कर लेना है, देन गाइस आप लोग जेरी लोल पेन से गाइस अप्लाई करना, तब गाइस काफ़ी अच्छे से हाईलाइट्स होता है एंड उसके ऊपर से गाइस